आज हम लोग इधर ही जाने हैं, जाने वाले हैं। ये मखमल फोर्ट है, ठीक है। ये सऊदी अरब का जो है अब्दाउल हुकूमत था, या जो सबसे पहली गवर्नमेंट बनी थी वो गवर्नमेंट का जो अब्दाउल हुकूमत था वो यही था, ठीक है। तो चलें आज हम लोग एक्सप्लोर करते हैं मसमक फोर्ट। थैंक यू। तो ये रियाद सिटी था, ठीक है। रियाद सिटी का मैप है, ये मसमक फोर्ट के अंदर जो जितना एरिया था ये रियाद सिटी है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है मदीना तो रियाद 1319 ईस्वी में, हिजरी में। बिन अल सऊद था, उसके बाद अब्दुल्ला बिन जलवी बिन तुर्की अल सऊद। तो इसी तरह से जो अब ये इनका जो है वो हम लोग जिसको थर्मस बोलते हैं, ये इनका है दल्ला फॉर कॉफी सर्विंग, ठीक है। आगे आ जाएं। ओके, ये देखें, ये ग्राइंडिंग बाउल है जिसको हम लोग वो कुंडी डंडा कहते हैं, पीसने वाला, ठीक है। तो सॉरी, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है? ये क्या है? देखिए, देखो गाइस, ये क्या है? आगे चाहिए। ये देखे, ये क्या लिखा हुआ है? आ के लिए ये सारे जो अब बुलाएं ना, इसमें ये सारा वो है, ठीक है। डिफरेंट टाइप, ये क्या? आगे आगे देखो, ये दिया है, दिया स्लाइड जिसको कहते हो आप लोग, और ये दिया, ठीक है, लाइट के लिए। जब गाइस मैं ये सोच रहा हूँ आगे और क्या होगा, ये ऐसे पेन होते थे जब ये लिखते थे, ठीक है, पेन के इसको स्टोर आएंगे। ओके, और ये भी बताएगी, ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये बोल है ना, ये कैनन था, कैनन जो मजनी मैडी इन कैनन बॉल, मीडियम कैनन, ये कैनन बॉल है। हां, ये क्या है? बोल ये बंदा कौन है? हां, ये सॉरी है, ये इमाम अब्दुल्ला बिन सऊद की पिक्चर बनाई गई थी हाथ से, ठीक है। वन ऑफ द आर्टिस्ट ऑफ हिज टाइम, उस टाइम पे कोई आर्टिस्ट था। हां, ओके, वो पर मैप भी लगा हुआ है, उधर मैप भी लगा हुआ है, लोगों को ये लैट लिखा गया था। लेकिन गाइस मैं एक एक चीज सोच रहा हूँ, ये पूरा वुड का बना हुआ है। हाँ, पूरा वुड का बना हुआ है। आप मिट्टी के, उधर देखो, ये देखो, ये सारी फोर्स है, यस, ये सारी, और आगे गन भी है, जो यूज हुए थे, ठीक है। और इधर आके आगे आके ये गन फाइट में, गाइस सब्सक्राइब करने कर दे वो ना, ये गन पाउडर सॉल्ट के साथ, सॉल्ट के साथ बना होता है वो, देखें वो तस्वीर टू स्टोर गन पाउडर, ये बुलेट्स हैं, डिफरेंट टाइप की पाउडर। आपको ये पूरा हाइडर से पता कैसे चल रहा है? ये देखिए, ये लिखा हुआ है ना, गन पाउडर यूज फॉर द मजल टू मीन फायर, ये गन पाउडर, यस, एंड सिंगल शूट पिस्टल जिसका नाम है तबंजा, तबंजा तमाचा भी होता है हमारे यहाँ, तबंजा। ये देखें, ये क्या, ये देखो,
ये जब फाइट हुई थी इस जगह पे हुई ना, ये इधर हुई थी फाइट, फाइट ये इधर हुई थी, ये किंग थे जो फर्स्ट किंग थे ना, ये किंग का मतलब जीतने को फाइट के बाद गाइस इधर आके ये देखे, ये वो मक्का, वो मदीना, ये मक्का और ये मदीना, यहां से उन्होंने कहा कि हमारी जो फ्रीडम फाइट है, हां जब इन्होंने देखा कि फ्रीडम फाइट, और वो आगे देखो वो क्या, ठीक है तो बेसिकली और ये मक्का मदीना आ गया, मक्का और मदीना पास। तो गाइस ये जो है वो सऊदी अरब का मैप है, इसमें रियाद जो है वो सेंट्रल रीजन रियाद दिखाया, उसके बाद दूसरे सिटीज दिखाए, ये यहाँ पे देखे खैबर, खैबर हो गया, मक्का पाक हो गया, ठीक है, ये मदीना पाक, ठीक है, तो ये लोग यहाँ से चले थे उस वक़्त और यहाँ रियाद में आए थे, और उसके बाद ये दिलम, खरज, अफूफ, ये सारे एरियाज, तो जी तो यहाँ पे जो है यहाँ पे फ्रीडम फाइट की मूवी दिखाई जाएगी, तो हम लोग मिलते हैं आपसे मूवी के बाद। ये देख, ये सामने दिखाई जाएगी आती। ये गेट है, ये पायनियर्स गेट है, ठीक है, आ जाए इसमें, इसमें बड़ी चीजें देखने के लिए। इधर आए सबसे पहले, ये जितने इनके बड़े बड़े खलीफा थे, जो बड़े बड़े इमाम थे, वो सारे लोगों की पिक्चर्स हैं, ठीक है, अब्दुल्ला बिन सालेम शेख, उबैद अल दूसरी, मुतलक बिन जफाल, मुतलक बिन मगरब, मंसूर बिन फरेज, और ये इनके कैमल के ऊपर बैठने के लिए जो सीट रहती है, ये वो है। उसके बाद जब सलीफ किंग अब्दुल अजीज, जो फर्स्ट स्पीच थी किंग अब्दुल अजीज की, वो ये लिखी हुई है, उस अरबिक में है, और ये उसकी ट्रांसलेशन है। गाइज ये भी सीट है, कैमल की सीट है, कैमल पे बैठने के लिए ये सीट यूज की जाती है। हाँ, इसको अब जो इनके डिफरेंट किंग्स थे, लीडर्स थे, उनकी स्पीचेस यहाँ पे हैं। यस, डोंट टच। अरे वाह, ओए 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 होय होय, हिस्टोरिकल यूनिफॉर्म, मैंने तो हिस्टोरिकल गन्स इंस्ट्रूमेंट है, जो कि डिफरेंट कंट्रीज से आएगा, जैसे ये इसका नाम करन है, ये इटालियन मेड मजल पिस्टॉल है, ये गन पाउडर है, और ये जैसे वाओ, ये इनका हिस्टोरिकल यूनिफॉर्म है, जो इनके लोग गार्ड से वो पहनते थे। That's good. और ये है रियाद का मैप, रियाद का मैप, बेसिकली ये रियाद था, जो अभी इसके डिफरेंट डोर थे, दरवाजे थे। समीर, डोंट टच प्लीज, वो उधर क्या,
कहाँ जाना है? ये बेटा मैप है, ओरिजिनल पिक्चर है इस एरिया की, जब इनिशियली हाँ ये फोर्ट है और ये उसके सराउंडिंग में जितने लोग एरियाज थे, मार्केट थी, वो सारा कुछ है। ये रियाद का मॉडल है जो कि 1336 हिजरी और 1918 में था, ठीक है। इसमें डिफरेंट बिल्डिंग्स है, 20 नंबर फोर्ट है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, नंबर 20, ओके। एंड द रेस्ट इज द अदर बिल्डिंग्स लाइक 1841, सो यू कैन गॉट, यू कैन रीड इट फ्रॉम देयर। ये मार्केट थी, पोर्ट ऑफ अल मुगैबरा, मुकेबरा, 1951 ये मार्केट थे। अ पार्ट ऑफ सोक साउथ हल्का सगाल हुकम, ये जो उसके साथ है ये वो मार्केट थी। ये जितनी ये सारी फोर्ट की सराउंडिंग्स की पिक्चर्स हैं। तो आप जाते थे, ये हराज है पुराना वाला, ये हराज की पिक्चर थी, ये आपको, ये भी हराज है, ओके। मेन रोड इन मरकब डिस्ट्रिक्ट आउटसाइड रियाद वॉल, रियाद के आउटसाइड में जो दीवार थी, ओके। ये अल कसर हुकम, ये जो कसर पैलेस है वहाँ पे है, रियाद सूक टू राइट इन द ग्रैंड मॉस्क, इसके आगे जो सामने मस्जिद के सामने अल हुकम कसर, ये अल हुकम कसर था। वाओ, इट्स सो अमेजिंग गाइस, व्हाट अ हिस्टोरिकल प्लेस। वाह, रुको यहाँ पे सर, हाँ इधर जाना है, आ जाए। तो गाइस अगर मजा आ गया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें प्लीज। वाह अमेजिंग मजनी, बताता हूँ, ये है उनकी तोप और ये यूज हुई थी 1297 में ये यूज होती थी, और ये फ्रीडम फाइट में इसका नंबर 11 था, ठीक है। कैनन बॉल्स हमने देखे थे पीछे, तो ये कैनन मशीन है, ये देखें इसको चलाया करते थे यहाँ से। तो ये कैनन की बैरल है, वो कैनन बॉल जो थे वो इसमें डाल के चलाते थे जी। तो ये फ्रीडम फाइट में यूज होने वाली, और गाइस ये पूरी कॉपर की बनी हुई है, कॉपर की बनी हुई है पूरी, इसमें स्टील नहीं यूज होता ना एल्युमिनियम। ओह माय गॉड, स्टील पानी है उसमें, मैं दिखाता हूँ गाइस, ये वेल है और उसके अंदर आज भी पानी है, वो देखें आज भी पानी है और कितना डीप है। हार्वेस्टिंग टूल्स हैं, प्लम्बिंग टूल्स भी है। वाओ वाओ, व्हाट अ फोर्ट का करंट मॉडल है ये इस वक्त। हाँ हम लोग उस साइड से एंटर हुए थे, अभी हम इस साइड से बाहर निकले हैं। यस, इस साइड से हम लोग एग्जिट होंगे, ठीक है। और ये मॉडल बनाया था, जब पहले मॉडल बना के जो पिक्चर बनाई थी वो ये, ठीक है। उसके बाद ये इंस्ट्रूमेंट यूज हुए थे इस मॉडल को बनाने के लिए, पत्थर नहीं बेटा, ये ईंट बनाई थी, ब्रिक्स बनाते हैं ना जो हम लोग दीवारें बनाने के लिए, वो ये ब्रिक्स यूज हुए थे। ये स्टेयर थी, ये स्टेयर यूज करते थे ऊपर जाने के लिए, किले में जब ऊपर जाना होता था तो इस टाइप की स्टेयर यूज करते थे। By the end of the war, Turkish power in the Arab world was destroyed.
So the British and their allies imposed a new settlement on the territories they governed. They recognized Sharif Hussein. ये सारे डिफेंसिव इक्विपमेंट है। 1902 जनवरी 15 जनवरी 1902 दिस फोर्ट वाज में बिल्ड। तो गाइस आपको होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, मजा आया होगा, बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा, मज़ा आया, इन्फॉर्मेशन इंक्रीज हुई आपकी, तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सबसे ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते।